रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा आप देख सकते हो यहाँ पे करके दिखाया है प्रैक्टिकल एग्जांपल सब। वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और मेटल ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन गैस विद पॉपअप साउंड निकलता है, मतलब साउंड ऐसे करता है पॉप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, यहाँ पे वाटर यहाँ पे सोक्ड है इसमें, और ये है मेटल सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है जिसके साथ रिएक्शन करना है, और यहाँ पे हीट दे रहे हैं बर्नर के थ्रू। तो ये मेटल क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड बना देगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक पाइप लगा रखा है और इसको सील करने के लिए कॉर्क से सील कर रखा है। तो इस पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वाटर में इसको डीप कर रखा है ताकि पता चले कि गैस निकल रहा है और ये बुलबुला के फॉर्म में यहाँ पे, बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे बाहर आएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप इजीली देख पाओगे या फिर यहाँ पे बर्निंग डायरेक्ट इस पाइप के थ्रू निकाल के यहाँ पे बर्निंग आप कैंडल ले जाते हैं फिर कुछ भी ले जाते हैं तो पॉपअप साउंड करके वो बुझ जाता है बिकॉज हाइड्रोजन गैस से नहीं जलता है कोई भी फ्लेम, ऑक्सीजन गैस से जलता है। जब हाइड्रोजन गैस वहाँ पे आएगा तो जलना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, जब मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको याद रखेंगे इस रिएक्शन को, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जब मेटल ऑक्साइड ये वाला उठा के यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जो अगला मेटल है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो कि पॉपअप साउंड के थ्रू निकलता है वो बना रहा है। यहाँ सेम उसे अल्मोनियम और आयरन का आप देख सकते हो, अल्मोनियम और आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है जो कि बर्निंग साउंड जिसकी पॉपअप साउंड बोलते हैं जनरली। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल।